दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं मॉड्यूल लेकर आया हूं उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलरेडी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को है, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो मुंबई और पुणे दोनों को भी है। और इसके अंदर मैं क्या क्या चीजों को कवर कराने वाला हूं दोस्तों, देखो अगर आप कोई भी टॉपिक करते हो, मैं कोई भी वीडियो बना दूंगा, आप वीडियो देख लोगे, पर आप अगर यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखोगे तो बहुत बेसिक से पेपर पूछा जाता है। तो यहां पे मैं सबसे पहले मैंने अराउंड 10 स्लाइड तो बस आपके लिए बेसिक फॉर्मूले में लेकर आया हूं, कि इसके बाद आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का कोई दिक्कत ही ना हो। आपने मेरे से ऑलरेडी पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैं बहुत बेसिक से जाता हूं। देन इसके बाद मैं यहां पर आपको, यहां से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देन उसके टाइप्स क्या होते हैं, देन ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। देन इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं जो मेन आज का जो पूरा फोकस टॉपिक है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलरेडी ये 12 से रिलेटेड टॉपिक है, बट यहां पे ये टॉपिक हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन हम आगे जा सकते हैं। अगर आप अपने सिलेबस में मैच करोगे तो ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये वाला अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से हम टॉपिक वाइज आ जाएंगे। सबसे पहले उसके डिफरेंट फॉर्म देखेंगे एंड देन हम अलग अलग टाइप्स पे हम आ जाएंगे। देन 4 से 5 लेक्चर में हम बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं। ऑलरेडी ये टॉपिक हमारे इस चैनल पे बनाया गया है वीडियो, अदिति मैम ने ऑलरेडी बनाया, पर मैं भी एक बार फिर से इस टॉपिक को बना देना चाहता हूं। अब देखो यहां पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पुणे के सिलेबस में ऐसा लिखा है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने यहां पे ऑर्डिनरी नहीं लिखा है। एंड अगर मुंबई के सिलेबस में हम देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो ऐसे अदर अदर यूनिवर्सिटीज को बस अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे, अंदर के कंटेंट अगर सेम है तो आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। अब देखो यहां पे मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा एंड देन फॉर्मेशन, पर सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक। अगर बेसिक वाली चीजें नहीं है, देखो मैं अगर आगे पढ़ा रहा हूं कौन सा फॉर्मूला कहां से आया क्या हुआ, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे 12th में बहुत सारे टॉपिक को, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के टॉपिक को स्किप करते हैं। वो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होता है कि यार यहाँ पे पास होना भी बहुत डेंजर हो जाता है, और पूरा का पूरा टॉपिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही। तो मैं पूरे के पूरे फॉर्मूले लेकर आया हूं, पूरे के पूरे फॉर्मूले मैं आपको लर्न करवाऊंगा, देन हम आगे जाएंगे। अगर देखो जिनको फॉर्मूले आते हैं वो मेरे साथ रिवाइज कर लें, और अगर जिनको रिवाइज भी नहीं करना है तो डायरेक्ट वीडियो पे स्किप करके आगे पहुंच जाए। पर मेरा सजेशन है कि प्लीज एक बार रिवाइज कर लोगे तो आगे पढ़ने में बहुत मजा आएगा कि सर हाँ ये तो फॉर्मूला आपने लर्न करवाया था। और एक टीचर, अगर बहुत ही अच्छा कोई टीचर है तो उसका फर्ज होता है कि उसे पहले फॉर्मूले सब रिवाइज करने चाहिए। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, मैंने ऑलरेडी पार्सियल में ये फॉर्मूला रिवाइज कराया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन एन एक्स एन माइनस वन। देन इसके बाद अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करूं 2x, एटलीस्ट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये नहीं याद रहेगा चलेगा। रूट एक्स का 1/2 √x, ये भी नहीं याद होगा चलेगा। एक्स का डेरिवेटिव 1, देन देखो 1/x का डेरिवेटिव -1/x2, प्लीज अच्छे से याद कर लेना। देन इसके बाद देखो ये फॉर्मूला है -n x रेज टू n प्लस 1, देन कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमने डायरेक्ट लिख दिया है 0 है। देन देखो साइन का कॉस, देन कॉस का साइन। अब आपको दिमाग में बिठा के रखना है, अगर ये आपने ये पूरे के पूरे फॉर्मूले दिमाग में बिठा लिए तो आपको इंटीग्रेशन का अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर साइन का कॉस है, कॉस का साइन है, और डेरिवेटिव में एक चीज याद रखना, जहां जहां पे भी सी वाले टर्म है सबका माइनस में डेरिवेटिव। देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, सेक्स स्क्वायर एक्स। कॉट का क्या आएगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर एक्स, पर माइनस में। सेक का क्या आएगा दोस्तों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड दोस्तों इसके बाद कोसे का क्या आएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये भी किस में आएगा, माइनस में। देन ई रेस टू एक्स का क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स। ए रेस टू एक्स का क्या आएगा, ए रेस टू एक्स लॉग ए। देन लॉग एक्स का क्या आएगा, 1/x। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव के सभी फॉर्मूलेस को लिख लिया। आप फटाफट अपने एक जगह पे आप पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको मिल गया। देन अगर आप यहां पे बात करोगे इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये भी आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला है 1/√(1 − x²) याद हो गया। देन टेन इनवर्स का क्या आएगा, 1/1 + x² याद हो गया। देन यहां पे दोस्तों जस्ट इसी को उल्टा कर दो, x² − 1, और आगे बस x है। अब आप बोलोगे सर कॉस कहां पे, कॉस का सेम फॉर्मूला आएगा माइनस फॉर्म में, प्लीज लिख लेना। टेन, टेन के बाद कॉट आता है, कॉट का सेम फॉर्मूला आएगा माइनस, यहां पे बस माइनस आ जाएगा। और सेक के बाद कोसेक आएगा, सेम फॉर्मूला है बस माइनस आ जाएगा, तो वो प्लीज आपको लिखना है। देन इसके बाद अब देखो हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे आ गए। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे सबसे पहले एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो अच्छे से करना क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों मिक्सअप आपको मिलेगा, प्लस सी मैं बार बार लिखूंगा नहीं, समझ जाना आप।
देन अगर यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या होगा, माइनस वन एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन। देन इसके बाद दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं, देखो अगर आप देखोगे वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है, देखो वन अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव, लॉग एक्स का। तो यहां पे लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, लॉग एक्स। इसलिए मैंने बोला कि डेरिवेटिव अगर फॉर्मूले याद है तो अपने आप हो जाएगा आपका। देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वहां पे हमने वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लिखा था माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन एक्स का क्या आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स। अगर आप अगर नहीं अच्छे से इसको समझ पाते तो इस फॉर्मूले में पुट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसका क्या आएगा दोस्तों, टू रूट एक्स। देन इसके बाद रूट एक्स का क्या आएगा, यहां पे टू बाय थ्री एक्स रेस टू थ्री बाय टू। देन यहां पे एक्स का क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय टू। ये प्लीज याद रखना, वहां पे एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, वन, और वही एक्स का इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय टू। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें जिसकी वजह से ही हमारा सम रॉन्ग होता है। आगे तो मैं सम आपको बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा, बस आपको ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं वन का डेरिवेटिव लूं तो कांस्टेंट आता है, जीरो आता है, पर यहां पे क्या आएगा, एक्स प्लस सी। यहां पे क्या आएगा, के एक्स प्लस सी। यहां पे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, देन ए रेस टू एक्स का, वहां पे ए रेस टू एक्स लॉग ए है, यहां पे लॉग ए डिवाइड में है दोस्तों। देन इसके बाद साइन एक्स। अब देखो वहां पे ये सबसे इजी है, साइन एक्स यहां पे डायरेक्ट लिख दो कॉस एक्स, और यहां पे डायरेक्ट लिख दो साइन एक्स। वहां पे कॉस को माइनस था, यहां पे साइन को माइनस ले लो, प्लस सी भाई लिख लो। देन इसके बाद सेक्स स्क्वायर एक्स, वहां पे टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सेक्स स्क्वायर एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, टेन एक्स। देन अगर वहां पे अगर हम बात करें कॉट एक्स का माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स था, तो कोसेक्स स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स। देन अगर मैं वहां पे बात करूं सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, सेक एक्स। देन अगर मैं बात करूं वहां पे कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स था, तो यहां पे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का कोसेक एक्स माइनस में। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिठाना है। अब देन इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूले हैं जो बीच बीच में आपको हेल्प करेंगे, बीच बीच में आपको यूज करने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज मैं आपको स्किप करूं। देखो अगर ऐसा कहीं पे अगर कुछ आता है इसका इंटीग्रेशन, जनरली ये वाला जरूरत नहीं है आपको, देखो जो जरूरत है वो बता रहा हूं। हाँ ये देखो कहीं पे भी अगर टेन स्क्वायर थीटा आया तो आप डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहां पे क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कहीं पे आया तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता, पहले ये लिखो देन इंटीग्रेशन सॉल्व करो। हाँ ये वाला आपको अच्छे से याद रखना है, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, और ये वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू। हाँ ये दो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये आप ऐसे मत याद रखो, आप ऐसे याद रखो साइन टू थीटा विच इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वाला भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। मैं चाह रहा हूं कि जो जो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है वो मैं नहीं दे रहा हूं आपको, ये भी मत याद करो आप। हाँ ये याद कर लो, कहीं पे ऐसा रहा तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख दोगे टेन पाई बाय फोर प्लस, देखो ऊपर प्लस है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। वही सेम अगर यहाँ पे माइनस है तो वहां पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा ऊपर जो है वो। देन अगर हम आगे आते हैं तो ये वाले फॉर्मूले अगर आपको नहीं भी पता है तो भी चलेगा, बट अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, देखो सब में ऐसा हाफ आएगा, ये देखो। अब आपको दूसरी चीज क्या याद रखना है दोस्तों, देखो साइन कॉस है, साइन कॉस है, तो यहां पे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। देखो यहां पे भी साइन कॉस ही है, तो यहां पे भी क्या आएगा साइन ए प्लस बी, और यहां पे क्या आएगा साइन ए माइनस बी। अब अगर आप बात करोगे तो यहां पे अगर आप देखोगे तो साइन पहले है, तो अगर साइन पहले तो यहां पे प्लस आएगा, और अगर यहां पे अगर कॉस पहले है, अगर यहां कॉस पहले तो यहां पे क्या माइनस आएगा। यहां पे देखो कॉस ए प्लस बी और यहां पे प्लस कॉस ए माइनस बी। जब भी अगर क्वेश्चन में दोनों सेम है तो कॉस में आंसर आता है, तो यहां पे कॉस कॉस ही था इसलिए प्लस में आया। अब देखो यहां पे थोड़ा सा उल्टा है, ये भी कॉस में ही आएगा, ये माइनस आएगा, और यहां पे सब हम पहले स्टार्टिंग में प्लस लिखते थे, यहां माइनस देन यहां पे प्लस। तो ये अगर आपने फॉर्मूला ये जस्ट अभी याद मत करो, ये अगर आपने लिख लिया तो कहीं ना कहीं आपको इसका हेल्प हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप इंटीग्रेशन में चीजों को सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको हेल्प होगा। देखो ये बेसिक फॉर्मूले है, आपको पता होना चाहिए इसका क्या आएगा, लॉग सेक एक्स आएगा
इसका क्या आएगा लॉग साइन एक्स आएगा दोस्तों, इसका क्या आएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स आएगा, और इसका क्या आएगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अगर आप कहीं पे भी अगर यूट्यूब पे आप देखोगे तो कोई भी वीडियो आपको पूरे फॉर्मूले के साथ नहीं मिलेगा, वो आपको कोई टॉपिक बता देंगे और बच्चे उसको देखते भी है, पर मुझे नहीं समझता कि उनको मार्क्स कैसे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे एटलीस्ट आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखो इस फॉर्मूले में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं बीच बीच में हेल्प होगा। देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए मतलब कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय, देन यहां पे मैं प्लस सी लिख नहीं रहा हूं। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर माइनस में है तो यहां पे क्या आएगा वन अपॉन टू ए, यहां पे भी वन अपॉन टू ए, ये लॉग आएगा, यहां पे भी लॉग आएगा, देन इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो यहां पे एक्स माइनस ए है एक्स माइनस ए लिखो, देन एक्स प्लस ए, हाँ यहां पे अगर a पहले है तो ऊपर प्लस आएगा ऐसे याद रखना, और a माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, जिसके अंदर से ये वाला फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा। देन देखो यही रूट फॉर्म में है, अगर ये वाला पहला वाला फॉर्मूला रूट फॉर्म में आता तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय, देन यहां पे अगर ये दोनों फॉर्मूले आते तो बहुत ईजी है लॉग एक्स प्लस सेम रूट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा लॉग एक्स प्लस सेम रूट। तो इस तरह से आपके पूरे फॉर्मूले हो गए। ये वाले फॉर्मूले अगर आप देखोगे तो ये वन अपॉन में, यहां पे ये अपॉन में नहीं है, यहां पे ये डायरेक्ट है, तो ये वाले फॉर्मूले भी बहुत इजी है। देखो यहां पे एक्स बाय टू एक्स बाय टू एक्स बाय टू याद करो, यहां पे बीच में क्या आएगा ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर बाय टू, देन यहां पे प्लस प्लस माइनस, इसके बाद वाला जो है इसके बाद क्या आएगा पता है, इसके अंदर से जैसे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये वाला पार्ट इसके बाद यहां आएगा, यहां पे जो जिसका जो फॉर्मूला है वो वाला पार्ट आएगा, और यहां पे सेम रूट। तो ऐसे ये वाला तो याद करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ये दोनों बस आप अच्छे से याद कर लो, कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक बेसिक इंटीग्रेशन मैं थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करा दे रहा हूं, कि कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनको इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं करने आता होगा। तो जैसे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ले रहा हूं तो एक्स स्क्वायर का मुझे पता है एक्स क्यूब बाय थ्री, कैसे मैंने लाया एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला क्या था एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो अगर एक्स स्क्वायर है तो यहां पे क्या होगा एक्स टू प्लस वन थ्री और टू प्लस वन थ्री, देन अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स का क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस एक्स, एंड देन अगर मैं वन अपॉन एक्स की बात करूं तो वन अपॉन एक्स का दोस्तों क्या आता है लॉग एक्स आता है और प्लस सी। तो प्लीज ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन देखो कॉस का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालता हूं तो साइन आएगा, साइन समथिंग जो भी है मैं साथ में लिख रहा हूं, हाँ अगर मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं तो एक्स के आगे जो नंबर है बस उसको डिवाइड में लिख दो, जैसे मैं डेरिवेटिव में फिर से वो बैड फंक्शन बोलता था, तो इंटीग्रेशन में ये बेनिफिट है। जैसे ये है तो इसका आपको डायरेक्ट पता है टू अंडर रूट ऑफ समथिंग, एक्चुअली यहाँ पे टू अंडर रूट ऑफ एक्स आना चाहिए था पर यह बैड फंक्शन आया, तो बस आप एक्स के आगे जो नंबर है उसको डिवाइड फॉर्म में लिख दो। शायद ही आपको ऐसा लेक्चर कहीं पे मिले जिसके अंदर सब चीजें आपको पूरा इंटीग्रेशन आपका रिवाइज हो जा रहा है, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑर्डर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हो तो जिसमें आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों मिक्सअप आएगा, और मैंने कोशिश की है कि मैं सब चीजें यहां पे लगभग अभी तक मेरा 13 मिनट का लेक्चर गया, पर यह 13 मिनट आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देने वाला है। और प्लीज नीचे कॉमेंट करके मुझे बताना कि सर सच में मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, अब आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो देखना इसका मजा बहुत आएगा कि कौन सा फॉर्मूला, अभी तक आप कॉलेज में बहुत कंफ्यूज चल रहे थे ये वाले फॉर्मूले में सर ने टैन इनवर्स कैसे लिख दिया, इसमें कैसे लिख दिया, ये वाले फॉर्मूले का आंसर कैसे है, वो सब यहां से है दोस्तों। देन यहां पे दो कोरोलरी है जो आपको पता होना चाहिए, अगर कभी भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो कभी फंक्शन है अगर उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग ऑफ फंक्शन, ऐसे में डायरेक्ट यहां पर क्या कर सकता हूं लिख सकता हूं, अगर समझो यहां पे फंक्शन है उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव है पर फंक्शन रूट फॉर्म में, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर टू अंडर रूट ऑफ फंक्शन लिख सकता हूं। जैसे यहां पे अगर आप देख रहे हो देखो ये कोई फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो दोस्तों लॉग ऑफ जो भी आपका फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वाई, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। वैसे आप ये रूट फॉर्म है तो टू अंडर रूट ऑफ एक्स। देन अगर मैं आगे आता हूं ये वाला भी कोरोलरी आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं हेल्प हो सकता है, अगर e रेस टू एक्स है और एक फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव दिया है
तो हमेशा इसका आंसर आप e रेस टू एक्स फंक्शन लिख सकते हो। जैसे यहां पे एग्जांपल है, e रेस टू एक्स टेन एक्स है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप e रेस टू एक्स टेन एक्स लिख सकते हो। आया कि नहीं मजा, प्लीज बताना, प्लीज कॉमेंट करना, मेरे भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने बोला था 20 मिनट्स जाएगा, पर अराउंड 15 मिनट्स के अंदर पूरे के पूरे फॉर्मुलेस मैंने रिवाइज करा दिए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट हम वन बाय वन हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले थोड़े बहुत मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूं। तो दोस्तों अब अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट है, अगर आप इसे समझना चाहो, देखो अगर इसका आप अगर डेफिनेशन देखना चाहो तो इसके बहुत सारे डेफिनेशन आपके बुक में मिल जाएंगे, बहुत सारे डेफिनेशन आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टर्म में भी है। पर मैंने आपके लिए बहुत सिंपल सा डेफिनेशन लाया कि एनी इक्वेशन विच कंटेन अ डेरिवेटिव, किसी भी इक्वेशन में अगर आपको डेरिवेटिव दिखाई दे तो उसे आप एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। या तो मैं एक डेफिनेशन लाया हूं कि इट इज एन इक्वेशन विच कंटेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जैसे अगर इस तरह की अगर कोएफिशिएंट आपको इक्वेशन में दिखाई दिए तो आप उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। जैसे यहां पे दिखाई दे रहा होगा, देन यहां पे दिखाई दे रहा होगा, यहां पे दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ये सेकंड ऑर्डर का है। हां, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब देखो यहां पे आपको ऑर्डर एंड डिग्री जो है आपके, अब देखो यहां पे टाइप्स है। सबसे पहले टाइप्स भी बता दो, डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं, जो हमने पार्शियल वाला तो पढ़ा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप पार्शियल की बात करोगे तो डेल जेड बाय डेल एक्स, ये सब आपने पढ़ा होगा। एंड देन यहां पे अगर आप देखो, मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है जो अभी मैंने पीछे लिखा था। देन इसके बाद ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कहां से चीजें इंपॉर्टेंट वो भी मैं बताने लगूंगा। हाँ देखो, ये थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। अगर आप ऑर्डर की बात करोगे तो ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, और डिग्री को हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये लैंग्वेज आपको तो समझा नहीं होगा बहुत सारे लोग को। देखो यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो ये देखो ये जो डेरिवेटिव है इसके ऊपर ये कौन सा डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहां पे अगर टू दिखाई दे रहा है, इस डेरिवेटिव के ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वन दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम कहां पे दिखाई दे रहा है ये आपको नहीं देखना है, ब्रैकेट के ऊपर का नहीं देखना है, आपको डेरिवेटिव पे देखना है। यहां पे टू है, यहां पे वन है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो दोस्तों ये टू बड़ा है। तो हमेशा सबसे पहले आपको यही अंदर की चीजें देखना है कि वो अंदर से कितना स्ट्रांग है, तो अंदर से स्ट्रांग है भाई ये वाला, तो यहां पे ऑर्डर कितना आ जाएगा, टू। और अगर आप ऑर्डर जिसका देख रहे हो उसी का आपको डिग्री लेना है, ऐसा नहीं कि दूसरे का डिग्री लेना है। तो अगर इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, वन है, तो ये आएगा इसका वन। तो देखो यहां पे क्या लिखा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो मैक्सिमम वाला कौन सा, ये है। देन इसके बाद क्या आएगा, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसका पावर क्या है, वन है, तो इसका डिग्री क्या आएगा, वन। तो अभी हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ेंगे, मतलब समझ जाना कि यहां पे ऑर्डर भी वन होगा, डिग्री भी वन होगा, जो आपके टॉपिक का नाम है। देन अगर मैं आगे बात करूं, चलो इसका आप कमेंट करके मुझे बता दो, अगर आप बात करोगे तो यहां पे देखो, यहां पे वन है और यहां पे क्या है, टू है। तो अगर आप मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर अगर आप डेरिवेटिव देखना चाहोगे तो ये है, तो यहां पे टू आएगा ऑर्डर। और अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं, क्योंकि मैं इसी का डिग्री ले सकता हूं, तो इसका डिग्री भी क्या आएगा, टू आएगा। कोई गलती से यहां मत आ जाना, क्योंकि यहां पे ऑर्डर वन है, तो वन जो है ऑर्डर वो छोटा है। देन इसके बाद अगर मैं आगे आऊं, जो मेरा आज का टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये प्लीज टॉपिक आप समझ लेना, तो ही आप आगे जब बढ़ोगे, ये आपके सिलेबस में कहीं पे आपको ऐसा मेंशन टॉपिक नहीं दिखाई देगा, पर ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये टॉपिक बस आपको जस्ट प्रैक्टिस एक बार कर लेना है। देन इसके बाद आगे वाला जब मैं लेक्चर लेकर आऊंगा, तब तक आप सब फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, और जल्दी ही वीडियो के नीचे इतना कमेंट कर दो कि मैं जल्दी जल्दी आपका सेकंड मॉड्यूल भी कवर करा दूं। बस मेरे मोटिवेशन को आप बरकरार रखो, जितने आपके कॉलेजेस के ग्रुप्स हैं, जैसे आपने पार्शियल पे सपोर्ट दिखाया था, वैसा अगर आप इस पे सपोर्ट दिखाओगे तो मैं जल्दी जल्दी सब चीजें लेकर आ जाऊंगा, जितना हो सके आप उसे शेयर करो। अब देखो यहां पे आप सबसे पहले आपको देखना है कि यहां पे बस ऊपर लिख के क्या आएगा कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन और इलिमिनेट आर्बिटरी कांस्टेंट। ये देखो आर्बिटरी कांस्टेंट एक है यहां पे, ये दूसरा है, तो इससे आप समझ जाना कि यहां पे अगर कांस्टेंट दो है तो आप इसको दो बार डेरिवेटिव लेना। अब सर अगर आपने डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं बताया होता तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया होता। तो अब देखो बस इसे आप दो बार डिफरेंशिएट करो। अब देखो मैं एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पे a ऐसे ही होगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x है। देन b ऐसे ही होगा, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x है, बट यहां पे दोस्तों बैड फंक्शन आ गया। ये देखो यहां पे बैड फंक्शन आ गया, यहां पे x आना चाहिए था बट माइनस x आया, तो फिर से उसका डेरिवेटिव ले रहा, माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस वन। अब इसी को आप सिंप्लीफाई करके लिख दो, dy बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू ए रेस टू x प्लस माइनस माइनस बी रेस टू माइनस x, ये हो गया आपका। ये होने के बाद अब देखो आपने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया,
अब आपको पता है कि दो आर्बिटरी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, बहुत इजी है। अब देखो इसको अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऐसे ही आएगा ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, बी ऐसे ही आ जाएगा ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, बैड फंक्शन फिर से यहाँ पे माइनस वन, क्योंकि माइनस एक्स का फिर से डेरिवेटिव। अब इसे ही अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो डी यहाँ पे देखो ए ई रेस टू एक्स माइनस माइनस प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसे मैं इक्वेशन नंबर वन दे दे रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम इसे फाइनली ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है वाई, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम, मैंने कहाँ से लिखा है वन से, और चाहिए तो इसे आप और अच्छे से लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई विच इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या आएगा विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये क्या हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बना दिया। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कॉन्स्टेंट एक है तो हमें क्या करना है, इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आप लिखना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये ए ऐसे ही आएगा ई रेस टू टू एक्स, फिर से ये बैड फंक्शन टू एक्स है क्योंकि यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, फिर से हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों टू आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू टू ए ई रेस टू टू एक्स, मैंने टू आगे ले लिया। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे तो यहाँ पे देखो ए डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो मैं टू ऐसे ही लिख रहा हूँ बट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका आंसर मुझे पता है, इसका आंसर क्या है y है, तो यहाँ पे मैं y लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा फ्रॉम, मैंने कहाँ से लिखा वन से लिखा, तो फाइनली दोस्तों ये dy वाई बाई डी एक्स विच माइनस टू वाई विच इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप इजिली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर सकते हो फॉर्म कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको समझ में आए, बस मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे मैंने वन टाइम क्यों डेरिवेटिव लिया क्योंकि एक ही कॉन्स्टेंट था। अब थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट पार्ट पे आता हूँ, देखो ये वाला एग्जाम में पूछा भी गया है, अब देखो इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं यहां पे एक ही कांस्टेंट ए दिख रहा है तो वन टाइम ही डेरिवेटिव ले सकता हूं, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ये फोर ऐसे ही होगा। अब देखो यहां पे एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट एक्स हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा पहला देखो एक्स रेस टू एन में क्या आएगा एन एक्स, ये देखो ये अंदर वाला पूरा पार्ट एक्स हो जाएगा और एन माइनस वन, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ एन एक्स रेस टू एन एन एक्स एन माइनस वन, तो ये एन हो गया ये पूरा एक्स हो गया एन माइनस वन। अब दोस्तों आपको पता है कि एक्स के बदले अगर एक्स नहीं आता तो बैड फंक्शन हो जाता है, फिर से आप ये अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेने जाओगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा और ए का डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे मतलब वन ही आएगा तो ऐसे ही रहेगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एट, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए, टू माइनस वन वन होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब फाइनली अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा तो मैं इसको डेरिवेटिव ले नहीं सकता हूँ। अब अगर फाइनली अगर आप देखोगे तो फाइनल आंसर में ए आ ही रहा है और हमें क्या बोला गया कि एलिमिनेट कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमें क्या करना है एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करो ईजी है, इसको वन बाय एट को यहाँ लेंगे तो वन बाय एट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों एक सेकेंड दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए, तो फाइनली ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे जो भी इक्वेशन है ये देखो ये इसे मैं वन दे रहा हूँ और इसे मैं क्या कर रहा हूँ टू दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ एक्स माइनस ए का जो भी आंसर है मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, या तो आप यहाँ वाला आंसर भी यहाँ पुट कर सकते हो पर ये वाला इजी है वहां पुट करना, तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आगे मैं लिख रहा हूँ पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो इक्वेशन सेकेंड जो है फर्स्ट में देखो पुट हो रहा है वाई फोर, अब देखो यहाँ पे x माइनस ए की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, तो x माइनस ए की जगह पे x माइनस ए ब्रैकेट फॉर्म में, तो मैं ब्रैकेट फॉर्म में ले ले रहा हूँ स्क्वायर फॉर्म में, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में ले लिया तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों वन बाय एट, और यहाँ पे क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा y, ये फोर ऐसे ही होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर लेने जाऊँ, अब देखो वन का स्क्वायर वन होगा, फोर एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर होगा, एट एट जा सिक्सटी फोर, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कोई भी गलती नहीं करेगा, यहाँ मत स्क्वायर लेना क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर आएगा ऐसे आएगा, ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। अब देखो ये फोर है,
इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आई थिंक यहाँ पे 16 आएगा। अब डिवाइड करके देखना, देन ये 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फाइनली ये हमारा इक्वेशन आ गया। आप चाहिए तो इसे और अच्छे से लिख सकते हो, 16y को वहाँ पे ले लो माइनस और यहाँ पे इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की चीज़ों का, अगर आपको कभी भी अगर बोलेंगे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो इसी तरह से आपको चीज़ों को क्या करना है, फॉर्म करना है। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू, हाँ अगर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे कितने कांस्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ पे दो कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट नहीं है भाई, एक ही कांस्टेंट है c वाला। अगर c1 c2 रहता तो दो रहता। तो यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव कितने टाइम्स ले सकता हूँ, मुझे बहुत सॉल्व करने में बहुत मजा आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये देखो ये dy बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये सी ऐसे ही रहेगा, और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है -1/x2। और यहां पे दोस्तों फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से सी का वैल्यू निकालता हूं, तो ये क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू, देखो सी ऐसे ही रख रहा हूं और ये x2 यहां पे भेज रहा हूं और ये माइनस साइन यहां पे रख रहा हूं। देन फाइनली अगर मैं करूं सॉल्व करूं, तो ये सी और ये माइनस भी यहां पे आ जाएगा, तो ऐसी dy बाय डी एक्स, और कोई ये मत बोलना है माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो माइनस मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड, यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई करो यहाँ भी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस ऐसे है। देन यहाँ से मैंने सी का वैल्यू निकाला। अब ये सी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूंगा। अब देखो यहाँ पे इस तरह से अगर कभी भी आपका आंसर नहीं आया तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, और ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा। पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन सेकेंड को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो ये देखो ये y तो वैसे ही हो जाएगा, यहां पे देखो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू यहां पे स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर मैं इस वाले पार्ट का अगर स्क्वायर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो क्या हो जाएगा, x^4 स्क्वायर का स्क्वायर x^4, और ये वाला ही पार्ट मुझे क्या करना है स्क्वायर फॉर्म में लेना, तो क्या होगा डी डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। देन इसके बाद यहां पे क्या है प्लस है, ये देखो ये 1 बाय एक्स जो है उसको मैं साइड में ही रख रहा हूं, बस सी का वैल्यू अब लिख रहा हूं। सी का वैल्यू क्या है दोस्तों, -x² डी वाई बाय डी एक्स। अब इसे ही आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू x^4 डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और ये एक्स कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स डी वाई बाय डी एक्स। तो अगर आप इसे और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो x^4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये देखो एक्स मैंने कितना भारी बनाया, एंड माइनस वाई और यहाँ पे इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, लोगों को लगेगा कि बहुत डेंजर है, पर डेंजर नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो नॉर्मल सा पहले डेरिवेटिव में सॉल्व करो, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो लॉग एक्स का, ये समझो लॉग का पार्ट है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, एक्स की जगह पे क्या आया कॉस एक्स माइनस ए। अब ये कॉस एक्स माइनस ए बैड फंक्शन है, एक्स आना चाहिए था, फिर से इसका डेरिवेटिव ले लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स माइनस ए, फिर से माइनस साइन एक्स आना चाहिए था, पर यहाँ पे जो फंक्शन है फिर से अगर मैं उसका डेरिवेटिव लेता हूं तो एक्स का डेरिवेटिव 1 ही आएगा और ए का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो कुछ मतलब नहीं आगे लेके। एंड देन यहाँ पे बी का डेरिवेटिव लूंगा तो वो भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यहां तक हो गया। अब इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख लूँ, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये माइनस ऐसी है, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा दोस्तों 10, क्योंकि दोनों के एंगल एक्स माइनस ए सेम है, फॉर्मूला है। अब ये मेरा आ गया यहाँ पे आंसर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको मुझे कितने बार डेरिवेटिव में ले सकता हूँ, प्लीज कॉमेंट करके बताओ, प्लीज कमेंट कर दो कि मुझे बताओ कि सर आप इतने बार डेरिवेटिव ले सकते हो, सर आप यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव ले सकते हो, क्या बात है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 2 है। तो यहाँ पे अब देखो मैं अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स, देखो सेक्स स्क्वायर एक्स मैंने लिख दिया, बस यहाँ पे एक्स के बदले एक्स माइनस ए, फिर से उसका मैं डेरिवेटिव लेने जाऊंगा तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा और माइनस ए का 0 तो 1 ही आएगा, तो कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ तक है। अब दोस्तों मैं फाइनल आंसर तक पहुंच गया, पर प्रॉब्लम क्या है कि यार फिर से वो आर्बिटरी कांस्टेंट तो मेरे साथ चल रहा है, मेरा पीछा ही नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे एलिमिनेट करना था पर वो मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है, बहुत बड़ा टेंशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक आइडेंटिटी यूज करूंगा। आइडेंटिटी क्या है दोस्तों, 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, या तो मैंने आपको बताया था, हाँ ऐसे भी आप लिख सकते हो, इतना भी याद रख सकते हो। देखो ये तो ये आइडेंटिटी का अब मैं यूज करने वाला हूं, कैसे यूज करूंगा आप देखना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मैं भी चाहता तो एक सम लेके आपको बता देता कि एक सम है कि ऐसे ऐसे फॉर्मेशन होता है, पर मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी के पेपर में आए हुए। मैं चाहता हूँ कि जो भी अगर प्रदीप गिरी अकेडमी इस चैनल से वीडियो को देखे उसे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने पिछले बार मैथमेटिक्स के एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स भी स्कोर किया, तो प्लीज़ सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से भरोसा करो, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, अब बस आपको क्या करना है, ये माइनस ऐसे ही है। अब आपको यहां पे आपको देखो ये दिख रहा है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए, ये दिखाई दे रहा है। तो यहां पे जो वैल्यू है देखो ये सेक्स स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, तो ये वाले की जगह पे आपको ये वाला वैल्यू क्या करना है, पुटअप करना है। अब यहां पे अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे तो यहां पे सेक्स स्क्वायर थीटा है, जैसे ये देखो ये सेक्स स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस ए। अब यहां पे मैंने ये लिख दिया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस ए, मैंने यहां पे चीजों को लिख दिया। अब अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया, ये देखो वन प्लस, ये देखो ये टेन एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए का यहां पे डायरेक्ट हमारे पास आंसर है, दिखाई दे रहा है, यहां पे साथ में माइनस साइन भी है दोस्तों, साथ में अगर माइनस साइन मैंने यहां पे ले लिया है, हाँ ले लिया है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो टेन एक्स माइनस ए है, ये माइनस साइन अगर मैं यहां पे भेज दे रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा, या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मुझे यहां पे स्क्वायरिंग फॉर्म में पूछा है ना, तो मैं यहां पे स्क्वायर ले ले रहा हूं तो आपको और अच्छे से समझेगा। यहां पे देखो मेरा यहां पे क्या है स्क्वायरिंग फॉर्म में, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं इसको स्क्वायर ले ले रहा हूं, स्क्वायर लूंगा दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा सॉरी डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो इस साइड स्क्वायर लिया, अब इधर स्क्वायर लूंगा, इधर स्क्वायर लूंगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहां पे क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस ए। तो देखो यही वाले स्टेप को मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो मेरे को ये मिल गया, क्योंकि मेरा यहां पे पुटिंग क्या है टेन स्क्वायर एक्स माइनस ए, तो मैं टेन स्क्वायर एक्स माइनस के ए की जगह पे ये पुट कर सकता हूं, कर सकते हो सर आप डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर मैंने यहां पे पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये माइनस वन है, ये माइनस अंदर गया तो माइनस, और यहां पे क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। अब फाइनली क्या हो जाएगा, अगर आप इस साइड ले रहे हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब देखो पहले इसको ले लेता हूं डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में आ गया, और ये प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से आपका ये वाला भी पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपने ट्वेल्थ में ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो इसी टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, और ये पूछा भी गया है। अब देखो यहां पे क्या करना है, वैसे ही सेम है, सब कुछ सेम है, पर लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस है। अब देखो पहले क्या करोगे आप, डिफ्रेंशिएट आपको दिख रहा है दो कॉन्स्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव लोगे, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स में किया, अब यहां पर ए लिखा मैं, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ई रेस टू एक्स मैंने लिखा, बट यहाँ पे x की जगह पे x नहीं आया, टू है माइनस टू एक्स आया, तो फिर से मैं उसका डेरिवेटिव लूंगा क्योंकि बैड फंक्शन है, तो माइनस टू हो जाएगा। देन यहाँ पे b ऐसे ही है, और फिर से e रेस टू माइनस थ्री एक्स ऐसे ही लिखूंगा, फिर से ये बैड फंक्शन हो गया तो उसका डेरिवेटिव लूंगा तो माइनस थ्री आएगा। इसलिए डेरिवेटिव अगर जिसको बेसिक डेरिवेटिव नहीं आ रहा होगा तो प्लीज आप गिरी टूडल पे मेरा वीडियो है, प्लीज आप 10-15 मिनट अपना टाइम देके पहले बेसिक डेरिवेटिव सीख लो, कैसे फॉर्मूले को लर्न करना है वो भी आप सीख लो, देन आप यहाँ पे आओ, जिससे क्या होगा कि आपको आगे, क्योंकि अभी टोटल फोर मैक्स पढ़ना है, चारों मैक्स में बहुत दिक्कत होगा अगर आपने बेसिक से चीजों को कवर नहीं किया। अब देखो यहां पे, ये देखो यहां पे मैंने इस नंबर्स को लिख दिया माइनस, यहां पे भी थ्री बी, थ्री बी ई रेस टू। अब ये होने के बाद अगेन मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और अगर मैं इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, पहले मैं इसको इस तरह से बॉक्स बना दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस टू ए ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, फिर से यहाँ पे क्या होगा माइनस टू आएगा, और ये माइनस थ्री बी ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, फिर से यहाँ पे माइनस थ्री आएगा। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूंगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू,
ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस और ए 2x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ई रेस टू माइनस 3x। अब देखो यहाँ पे भी ये वाला भी पार्ट मैंने लिख दिया। अब इसी इक्वेशन को मैं अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी कर लूँ, जैसे मैं पीछे सब्स्टिट्यूट करता था, ये सब करता था, तो वैल्यू हट जाते थे, पर यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, मैं ना तो कॉमन ले सकता हूँ, कैसे मैं ये कॉन्स्टेंट टर्म को हटाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व करना होगा। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व करने के पहले आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये पूरे वैल्यूज को वहां पे भेज दो, पूरे वैल्यूज को वहां पे भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा ए। अब देखो मैं यहाँ पे ए वाला टर्म ना यहां लिख रहा हूं, उसके पहले ये वाला टर्म लिख रहा हूं ई रेस टू माइनस 2x, फिर मैं यहाँ पे बी वाला भी टर्म यहाँ पे भेज रहा हूं, तो यहाँ पे क्या ई रेस टू माइनस 3x और यहाँ पे क्या आएगा साथ में क्या है दोस्तों b इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, ये पूरे के पूरे टर्म को वहां पे भेज दिया, ये पहला इक्वेशन मैंने फ्रेम कर दिया। सेम यहां से इस वाले से, अब देखो इसे dy बाई डी एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y डैश भी लिख सकता हूँ, ये याद रखना। देन अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले टर्म को वहां पे भेज रहा हूँ, तो क्या होगा प्लस, यहाँ पे देखो माइनस में इक्वल के वहां पे जाएगा तो प्लस, पहले मैं लिखूंगा 2 फिर लिखूंगा ई रेस टू माइनस 2x, ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ए लिखूंगा, देन यहां पे मैं इसे ही भेज रहा हूं इक्वल के उधर भेज रहा हूं, तो ये भी प्लस हो जाएगा, और प्लस होते टाइम यहां पे पहले मैं क्या लिखूंगा 3 ई रेस टू माइनस 3x और उसके बाद मैं यहां पे क्या लिखूंगा बी इक्वल टू 0। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट इसको अगर इसे आपको लिखना है, सुनो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे मुझे सॉल्व करना होगा, तो यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले इसे आप वाई डबल डैश ले लोगे। अब देखो ये वाला पार्ट यहां पे प्लस है, इक्वल के वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 ई रेस टू माइनस 2x आपने लिखा और साथ में क्या आएगा a, देन ये वाला पार्ट क्या आएगा माइनस 9 ई रेस टू माइनस 3x और साथ में क्या आएगा b इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को ये वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा, एंड देन यहां पे अब मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देना है इक्वल टू 0। अब देखो डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैं लिखूंगा तो पहले ये वाला टर्म लिखूंगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे y डैश है और यहाँ पे y डबल डैश है, और फिर मैं जब दूसरा टर्म लिखूंगा तो यहाँ पे देखो e रेस टू माइनस 2x है, e रेस टू माइनस 2x है, e रेस टू माइनस 2x है, ये तीनों में से कॉमन आके यहाँ आ जाएगा और ये इससे जाके 0 हो जाएगा, तो वो वाला टर्म नहीं लिखूंगा, तो बस मैं यहाँ पे a के आगे कौन कौन सा टर्म है वो मैं लिखूंगा, तो a के आगे बस यही था, तो ये भी ये देखो यहाँ पे भी ये था, यहाँ पे भी ये था, ए के आगे, तो ये तीनों कॉमन हो गए और यहाँ से कॉमन होके यहाँ बाहर आएंगे, फिर इससे 0 हो जाएंगे, तो फिर से उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला मत लिखो। तो यहाँ पे अब ये वाला टर्म गायब हो गया, तो क्या बचा, ए के आगे क्या बचा, ए नहीं लिखना है, ए के आगे अगर आप देखोगे तो क्या बचा, तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है माइनस 1। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला टर्म गायब हो गया तो 2 बचा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म गायब हो गया तो माइनस 4 बचा। देन वैसे ही अगर आप इस वाले में देखोगे तो देखो ये वाला देखो एक्स रेस्ट ई रेस्ट टू माइनस 3x ई रेस्ट टू माइनस 3x ई रेस्ट टू माइनस 3x तीनों में कॉमन है, तो वैसे यहां से फिर कॉमन को मैं बाहर लूंगा और 0 कर दूंगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखना है तो आप लिख लो फिर कॉमन निकाल दो एक बार, तो मैं डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूं, इसके आगे नंबर क्या है, बी के आगे क्या है माइनस 1 है, यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर नंबर क्या है दोस्तों, इस बी के आगे अगर मैं देखूं तो नंबर क्या है यहां पर 3 है, यहाँ पे B के आगे नंबर देखो तो क्या है माइनस 9 है। अब आपने सभी नंबर्स को अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया है, बहुत अच्छे से लिख दिया है, तो अब आगे आप अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं इसे अब आगे डिटरमिनेंट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। देखो ये वाई है, अपन क्या करते थे डिटरमिनेंट में, ये दोनों को जब ये लेंगे तो ये वाला और ये वाला नहीं लेंगे, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई है, देखो यहाँ पे क्या होगा माइनस 18 और यहाँ पे क्या होगा बीच का माइनस, देन यहाँ पे माइनस 12 तो मतलब प्लस 12, देन ये दूसरा वाला नंबर लेंगे तो माइनस लेके लेंगे तो माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1। आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता होगा अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग में आए हो तो, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9y डैश, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3y डबल डैश, देन इसके बाद यहाँ पे ये नंबर लेंगे तो माइनस 1, ये डायरेक्ट माइनस 1 ले लो, ये वाला लेते टाइम एक माइनस एक्स्ट्रा लेना इसलिए प्लस हो गया है, अब ये वाला लोगे तो ये कैंसिल तो इसका क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4y डैश और माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0। थोड़ा सा इधर ले लेते इक्वल टू 0। अब बस आपको क्या करना है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करो। देखो यहाँ पे आंसर कितना आएगा माइनस 6y
ये प्लस साइन अंदर जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9y डैश, प्लस माइनस माइनस 3y डबल डैश, माइनस माइनस प्लस 4y डैश, माइनस माइनस प्लस 2y डैश विच इज इक्वल टू 0। अब देखो डबल डैश वाले एक साथ सॉल्व कर दो, देखो ये दोनों हैं माइनस 3 माइनस प्लस 2 माइनस 1, तो माइनस डबल डैश माइनस 1 नहीं लिखोगे चलेगा, ये दो हो गए। देन इसके बाद वाई वाले अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस 5y डैश, ये भी हो गया। एंड देन इसके बाद -6y = 0। अब आप इसे सभी को इक्वल के वहां भेज दो तो सब प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश प्लस 5y डैश और प्लस 6y, और यहाँ पे क्या 0, इस तरह से ये 0 है। ये इस तरह से ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहिए तो आप इसे वाई डबल डैश को d²y/dx² भी लिख सकते हो, इसे dy/dx लिख सकते हो। और बहुत ही शानदार लेक्चर, कितने मिनट में हुआ, 40 मिनट्स में। पर ये 40 मिनट्स में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ पता चला। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप फॉर्मेशन के एक दो सम देख लोगे तो भी चलेगा, पर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों सबसे पहले आपको पूरे फॉर्मूले लर्न करने, क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर मैं वहां पे आपको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म बताऊंगा, देन हम धीरे धीरे एग्जैक्ट फॉर्म पे आ जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। और आप यहाँ पे अगर आपने लेक्चर देखा है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस लेक्चर को शेयर करो क्योंकि हमें एक सपोर्ट मिले। क्योंकि आपको यूट्यूब पे अगर फ्री कंटेंट अगर आप देखोगे इस तरह से मिल रहा है, तो आप प्लीज़ उसे जितना हो सके उसे वैल्यू देने की कोशिश करो, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।